जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला जो महीना है नवंबर 2023, वो आपकी राशि के लिए कैसा है, यानी हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है। राशि के आधार पर हम देखेंगे कि इस महीने ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं, इस महीने ग्रह आपको क्या दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये जो महीना है कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का परिवर्तन, वक्री मार्गी होना, क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इस महीने बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। उस परिवर्तनों को मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, उसको समझिएगा कि क्या ऐसा है आपके लिए आने वाला समय। देखिए, ये आपकी राशि है कन्या, चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है कुंडली में, तो ये वीडियो आपके लिए। आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, कन्या राशि ये 6 नंबर है, इसमें केतु और शुक्र की युति चल रही है, पूरे महीने ही चलेगी। तीसरे घर, दूसरे घर के अंदर मंगल, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। ये तीनों ही प्लैनेट 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, वन बाय वन, एक के पीछे एक। शनि यहां 4 नवंबर को वक्री चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे। राहु सप्तम भाव में आ ही जाएंगे और अष्टम भाव में गुरु हैं, वक्री होकर गुरु चांडाल दोष नहीं रहेगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी कन्या राशि के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा विस्तार से चर्चा मैंने उसमें की है कि राहु केतु एक दिन के प्लेनेट नहीं है, ये 18 महीने के ग्रह हैं। ये 18 महीने तक आपको क्या देंगे, वो सब मैंने उसमें विस्तृत जानकारी दी है। इस महीने सबसे बड़ा रिलीफ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रिलीफ है बृहस्पति का राहु केतु अक्ष से हटना, बृहस्पति का दोष रहित होना और बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष से खत्म होना। ये 30 अक्टूबर को हुआ। नवंबर के महीने में जैसे ही आपने एंट्री की, राहु अलग हो गया, बृहस्पति अलग हो गया, यानी एक बहुत बड़ी राहत उन सभी लोगों के लिए है जो 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, 4th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। 4th हाउस भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पारिवारिक अशांति। 7th हाउस स्पाउस, जीवन साथी, विवाह से संबंधित समस्याएं, अगर जीवन में कुछ भी चल रही हैं, मतभेद चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम चल रही हैं, वो आपको बहुत बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ देने वाली है राहु के परिवर्तन की वजह से। तो इस महीने बृहस्पति का अकेला होना, बृहस्पति का शुभ ग्रह का 8वें घर में बैठना और शुभ ग्रह अकेले का धन भाव को देखना इस बात की पुष्टि करता है, अपने ही भाव को देखना भी इस बात की पुष्टि करता है कि ये समय प्रॉपर्टी, पारिवारिक शांति और धन के लिए बृहस्पति की वजह से शुभ स्थिति को दिखा रहा है। तो पहली सबसे पॉजिटिव स्थिति आपके लिए ये हुई। दूसरी राहु केतु का वीडियो देखना, और ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। आपकी राशि कन्या राशि, कन्या राशि में योग कारक शुक्र का गोचर चल रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए कहा जाता है कि शुक्र भाग्येश और धनेश हैं, वो आपकी राशि में चल रहे हैं। वो शुक्र की राशि है, सॉरी, वो बुध की राशि है, और बुध कहाँ है, शुक्र की राशि में। भले ही नीच का है, लेकिन एक तो राजयोगकारी है, दूसरा राशि में बैठा है, तीसरा बुध से राशि परिवर्तन कर रहा है, इसलिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। इसलिए ये शुक्र दिखने में नीच है, बाकी ये राजयोगकारी फल देने वाला है। जब ये राहु केतु अक्ष पे हो तो व्यक्ति को अपने आप पर संयम रखना चाहिए, अपनी उम्मीदों पर, अपने आप की, कहते हैं ना कि जी मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं पर संयम रखना ये ग्रह यहाँ आपको बताता है। अगर आपने इच्छाओं पर संयम किया है तो आपके लिए ये स्थितियाँ पॉजिटिव नजर आ रही हैं। ये योग कारक शुक्र भाग्य और धन दोनों के शुभ फल देने में सक्षम है। अगर आप संयमित होकर आपने काम किया, आपने आचार विचार अपने ठीक करे, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, आपने अपने चरित्र को भटकने नहीं दिया, तो आप ये समझिए कि ये शुक्र आपके लिए राजयोगकारी फल देगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जब राशि के अंदर शुक्र नीच का केतु राहु केतु वश पे हो तो कभी कभी स्त्री और पुरुषों से संबंधित जो रोग होते हैं, कोई लाइफ में पहले रहा वो फिर से आ गया उस दौरान, तो वो हो सकता है। और ये स्त्री पुरुष रोग जितने भी होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड से, इमोशन से जुड़े हुए होते हैं।
वही चीज आपकी डेवलप नहीं होती, वही चीज आपकी खराब हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके अलावा देखें तो शुक्र बहुत बेहतर है। तो दूसरी पॉजिटिविटी शुक्र से दिखाई दी, पहली पॉजिटिविटी गुरु और राहु से हमें दिखाई दी। शनि भी इस महीने देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि शनि भी वक्री से मार्गी होंगे। अब वक्री से मार्गी होना शनि के लिए एक बेहतर स्थिति है, क्योंकि शनि यहां इस दौरान छठे घर में वक्री हुए और सिक्स हाउस में वक्री ग्रह का जाना हेल्थ इश्यूज देता है। सिक्स हाउस में वक्री ग्रह प्रॉब्लम्स देता है, वो आपके कार्यों को डिले करता है, आपके रोग ऋण और शत्रु तीनों को एक्टिवेट करता है, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। अब शनि होंगे सीधे मार्गी होकर चलेंगे तो आपके लिए वो सारी स्थितियां पॉजिटिव होंगी और शनि अपने मूल त्रिकोण के अच्छे फल देंगे। अब बात करते हैं त्रिग्रही योग की। इस त्रिग्रही योग को बहुत आराम से समझिएगा। देखिए शास्त्र कहता है खराब घर के स्वामी अच्छे भावों में जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हमारा तो स्वभाव खराब है। अब सूर्य आपके लिए खराब भाव का स्वामी है, क्योंकि वो खर्च स्थान, नुकसान और व्यय स्थान का मालिक है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल, जो अड़चन दुविधा परेशानी देने वाला है, वो मंगल और सूर्य की युति आपके धन भाव में बनी हुई। इस मंगल सूर्य ने हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश की, चेहरे से संबंधित तकलीफ, आंखों से संबंधित समस्या देने में सक्षम है, स्वास्थ्य के ऊपर परेशानी करने में सक्षम है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को प्रॉब्लम देने में सक्षम है, आपके धन को अधिक खर्च कराने में सक्षम है। तो बहुत बार धन किसी काम में लगा दिया और वहाँ पैसा फंस गया, डूब गया, उसको भी कराने में सक्षम है। यानी जब तक ये सूर्य और मंगल यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक सेकेंड हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तब तक धन की स्थिति अच्छी नहीं होगी, फाइनेंस अच्छा नहीं होगा, पैसा अच्छा नहीं आता दिखाई देगा। 16 नवंबर को ये दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल फिर तीसरे के स्वामियों के तीसरे में आएंगे और सूर्य यहाँ आएंगे। यानी 16 नवंबर के बाद ऐसा भी योग बन सकता है कि अचानक से कोई यात्रा करने के लिए मिले, उस यात्रा को आप करें और उस यात्रा करने से आपको फायदा मिले, लेकिन 16 नवंबर के बाद। यही यात्रा आपके लिए पॉजिटिव होगी, यही यात्रा, यही तब्दीली, यही परिवर्तन जीवन में आपके एक बेहतर स्थिति को लाएगा, क्योंकि धन भाव शुभ हो जाए। धन भाव में एक ग्रह और है, वो पॉजिटिव है, कर्म भाव का मालिक और राशि का मालिक बुध। किसी न किसी तरीके से उसने इस स्थिति को संभाला हुआ है, वो शुक्र की राशि में है, शुक्र का निज भंग राजयोग करता है, उसने संभाला हुआ है। यानी कर्म और कार्य क्षेत्र का ट्रैक बिल्कुल सही है, जहाँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस राह पे काम कर रहे हैं, जिस चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन पर कंटिन्यूटी रखें। क्योंकि 16 नवंबर के बाद जब मंगल सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो बुध भी यहाँ से निकलेगा, लेकिन धन भाव तो कम से कम अशुभ प्रभावों से हटेगा, धन भाव पे शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि अकेली रह जाएगी। यानी आने वाला 16 नवंबर बहुत स्थितियों को पॉजिटिव कर रहा है, खासतौर पर फाइनेंस के क्षेत्र को पॉजिटिव कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर रहा है, प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है, हेल्थ इश्यूज को दूर कर रहा है, तो वो सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। रिलेशनशिप्स मजबूत हो रहे हैं इस दौरान। अगर ये तीन ग्रह यहाँ हैं तो तीनों ग्रह यहाँ भी आएंगे और यहाँ से बैठ कर सीधा दृष्टि देंगे नाइन्थ हाउस को। मेहनत का भाव है तीसरा भाव, आपके एफर्ट्सों का भाव है तीसरा भाव, आपके जीवन में आपने खुद अपने बल पे कुछ किया है उसके लिए है तीसरा भाव, कि ये आपके भीतर क्रिएटिविटी देगा, ये आपके लिए यात्रा देगा, अचानक से आपके भीतर कुछ नया जोश उमंग पैदा करेगा। कभी कभी तो लोगों के नौकरियों में बदलाव भी ऐसे समय में होते हैं, ट्रांसफर भी ऐसे समय में होते हैं, क्योंकि कर्म भाव का मालिक भी तीसरे में जाएगा ना, इसलिए ट्रांसफर चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद प्रयास करें, नौकरी बदलना चाहते हैं 16 नवंबर के बाद प्रयास करें। तो 16 नवंबर एक ऐसी तारीख है जो आपके बाद जीवन में आते ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव करती दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर ये महीना बहुत कुछ बेटर, बहुत कुछ अच्छी उम्मीदों को लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसे ही ग्रह गोचर की स्थितियां आपको मिल सकती हैं लगातार जानकारी, अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो। एक रिलीफ का समय मैं कह सकता हूं नवंबर के महीने में है, जैसे जैसे समय आगे चलेगा स्थिति पॉजिटिव होगी और खास तौर पर 16 नवंबर वो तारीख होगी जिसमें आपके लिए बहुत सारी स्थितियां उसके बाद बेटर होती चली जाएगी। जय श्री राम।